इसराइल और हमास की जंग के बीच इजरायली डिफेंस फोर्सेस को बड़ी कामयाबी मिली है। IDF के मुताबिक उसने गाजा में हमास की सबसे बड़ी सुरंग को खोज निकाला है। हमास से जूझ रही इजरायली सेना का कहना है कि उन्होंने कंक्रीट और लोहे से बनी एक बड़ी सुरंग का पता लगाया है। मुख्य इजरायली सैन्य प्रवक्ता रियर एडमिरल डेनियल हगारी ने बताया कि सुरंग 4 किलोमीटर या 2.5 मील लंबी है, जो कभी हमास के शासन का केंद्र थी, लेकिन अब एक तबाह युद्ध क्षेत्र बन गई है। हगारी का कहना है कि इजरायली सेना हमास की सुरंगों को ध्वस्त किए बिना हमास को ध्वस्त नहीं कर सकती। सैकड़ों किलोमीटर के भूमिगत मार्गों और बंकरों को नष्ट करना इजरायली सेना के आक्रमण के उद्देश्यों में से एक है। सेना ने पत्रकारों को सुरंग दिखाई जो इरेज में चौकी से सिर्फ 100 मीटर दक्षिण में स्थित है। इरेज क्रॉसिंग उन स्थलों में से एक है जिस पर हमास ने 7 अक्टूबर को कब्जा कर लिया था। हमास के इस कब्जे में 1200 इजरायली मारे गए थे और 240 लोगों को हमास ने बंधक बना लिया था। बता दें कि 7 अक्टूबर के हमले के बाद से इजरायल ने गाजा को घेर लिया है और फिलिस्तीनी क्षेत्र का अधिकांश भाग बर्बाद कर दिया है। गाजा स्वास्थ्य अधिकारियों के अनुसार लगभग 19,000 फिलिस्तीनी मारे गए हैं और हजारों लोग इजरायली हवाई हमलों के बलबे में दबे हुए हैं।